प्याला पकड़ के ना यार फातिमा मैं तुम्हें चंबे लगाऊंगी घर जाके। This is Meg Rockwell. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. दिन मेरा शुरू हो गया है, बहुत ही energetic सा। इतना energetic नहीं हूँ जितना दिख रही हूँ। Yes, but I am. और अभी मैं अपना सूट के सारी चीजें, अपना सामान पैक कर रही हूँ। ठीक है, पता लगे तेरा जूस गिर गया। मैंने इमरजेंसी में सबको जूस वूस बना के दिया और अभी होने कुछ यूँ लगा कि तेरा कपड़ा अपना बस्ता पैक करके सलोन के लिए निकलने लगी। आज फिर लेट हो गया। अगर आज लेट हो गए ना रबे, मैं तुझे माफ नहीं करूँगी। मैं नहीं, आप लेट कर रही हूँ। तो जी आज है हमारा आप ही कर, आपने भी येलो पहना हुआ है, मैंने भी येलो पहना हुआ है। माइयों पे देखो कोइंसिडेंस कैसा हो रहा है। कोइंसिडेंस, और आगे जाके माइयों में सबने येलो पहना हो ना, फिर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का ब्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। अभी हम चलते हैं सैलून, वेट करेंगे मैं, देखे कौन जाएगा। लेट्स सी। ये देखें गाइस, ये देखें सब बिखरा हुआ है कल से। ये मेरी अम्मी के कपड़े हैं और ये बस, ये अम्मा बैठी हुई है बस हीटर के आगे। अम्मा मैं जा रही हूँ, ठीक है। 9:30 हो रहे हैं, कपड़े नहीं रखे। कपड़े आप सोचोगे इकरा कमल के कपड़े कहाँ, तो कपड़े मेरे वहाँ पे डिलीवर होंगे क्योंकि उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन थी, उसके अंदर मेजरमेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अभी हम जाएंगे सीधा सैलून और निकले। अभी यहाँ कितना टाइम हुआ है, 9:20 हो गए। मैंने ब्राइड साहब को एंट्री नहीं मानी, ब्राइड साहब मुझे कोई नहीं देखता। फिर यार मैं एंटर होती हूँ, सारे फोटोग्राफर्स आप ही को चिपक जाते हैं। अकेली कोई शूट वाला, अकेली घूम रही, कोई शूट ही नहीं कर रहा मेरा, सारे आप ही के पास। तुम्हारी शादी पे भी तुम्हें सब ऐसे चिपकेंगे कि मैं सोचा था बहन की शादी में प्रोटोकॉल मिलेगा ना मुझे, कपड़ों वाला। बहन को कोई दे नहीं रहा तो इसको दे दो प्रोटोकॉल। मुझे प्रोटोकॉल मिलता है। फाइनली हम लोग पहुंच गए, थैंक यू। मैं गाइस सो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी और अब बस घूम रही हूँ गोल गोल। पहुँचते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये देखें यहाँ पे इतने सारे राबिया माइयों पे वो वाले बाल लगवा लो ब्लू। इतनी रेस्टिंग स्टेट में थी कि बाल धोना भूल गई। अब उन्होंने कहा है कि हम आपके बाल शाल वॉश कराएंगे। अब मैं फिर सोने लगी। जी अब यहाँ पे होने लगा है मेरा मेकअप। मेरा जुकाम से अगेन बुरा हाल हुआ है। राबिया का भी मेकअप हो रहा है और ये लोग जो है ना, वो पता नहीं अब हमारे बालों में क्या लगता है क्या नहीं लगता। मैंने अपने बाल वॉश करवा दिए हैं, देखिए अब कितने प्यारे हो गए। इतनी आलसी, इतनी सुस्त हुई हूँ कि कुछ भी करके नहीं आई थी और इन्होंने मेरा सारा टचअप किया। चलें जी गाइस, फाइनली मेरा ड्रेस आ चुका है माइयों का और अब जो है वो हम करते हैं। पहले पहन लें ड्रेस, लेकिन वो ना नहीं, वो सारी स्टॉक पे सिलवटें पड़ जाएंगी विश्वास पे, जो मैंने कल भी गाउन पे, जो ब्राइडल शावर वाले गाउन पे भी सिलवटे पड़े। हाँ फिर बाद में पहन लूंगी, ठीक है। ड्रेस टाइमली पहुंच गया भाई। हमारी टीम जिनको हमने अपने अपने काम सौंपे हुए ना, वो सब बहुत प्रोफेशनल, बहुत पंक्चुअल है। अब होने लगा मेरा मेकअप। मेकअप का बताते हैं हम, टक 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 टक। चले जी गाइस, मेरा मेकअप हो गया, लेकिन मेकअप को हम कराएंगे थोड़ा सा लाइट क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो गया और ये मैंने सारा लाइट करवाना है माइयों के हिसाब से। नाश्ता आ गया, अभी मैं नाश्ता करने लगी और साथ में बन रहे हैं मेरे बाल। कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए थे। मेकअप आपको भी फाइनल लुक करके दिखाऊंगी क्योंकि फाइनल नहीं हुआ, बाल बनते हैं तो दिखाते हूँ, साथ साथ करती हूँ नाश्ता। और ये मेरी चाय ग्लास हो चुकी हूँ रेडी एंड दिस इज माय मेकअप लुक। ये देख लें जी क्लोज से, मैंने अपना मेकअप थोड़ा ये देखिए इस तरह का करवाया है। दीज आर माय ज्वेलरी, इयररिंग और ये मेरा अभी ड्रेस है और साथ में मैं करवा रही हूँ अपने नेल्स। मैंने यहाँ से नेल्स जो है वो अपने अगेन कराए हैं। वहाँ पे जो है ना वो शूट हो रहा है राबिया मोहतरमा का और मुझे अभी दुपट्टा शुपट्टा पहनना है, गरारा शरारा वापस पहनना है और मैं वो सब चीज़ें रेडी करके फिर आती हूँ। तो आप ही अभी चेंज कर रही है तो मैं निकल रही हूँ, फिर जब वो तैयार होगी उसके बहुत टाइम है तो वो तब आएगी, तो मैं जा रही हूँ। बाय। सो गाइस दिस इज माय फुल लुक, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरे इयररिंग्स हैं जो मैंने बिल्कुल अपने ड्रेस के साथ मैच बनवाए थे। सीशेल्स का प्रॉपर मैंने सीशेल वाली क्वीन मिली और राबिया जा चुकी है और मैं थोड़ी ऑफ थी इसलिए मैं थोड़ा लेट तैयार हुई हूँ और अब मैं भी निकलने लगी हूँ। लेट्स गो। हम लोग हो गए थे वहाँ से फ्री, राबिया मैडम निकल गई हैं, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको सारी सूरत हाल दिखाते हैं और सबसे मिलवाते हैं कि सब कैसे लग रहे हैं। हाँ
ब्राइड सबसे पहले पहुंची हुई है गार्ड सबसे पहले मैं सबसे पहले हूं। चलो जी पापा की फुल लुक चेक करो, पापा माइयों वाले वो लग रहे हैं भंगड़ा डालने तैयार हो गए। पापा ने वेलकम किया है, राबिया ने वेलकम किया है। आपका आपकी शादी में खुश आमदीद। मैं अपनी शादी में एंटर हो चुकी हूँ अपनी माइयों में। आप ही गेस्ट आ चुके हैं तो सबसे पहले चलो ये मेरे राबे की पिक्चर्स देख के जला रहा। चलो मेरा शूट करो अभी भी रास्ते में होगा आने वाला। फाइनली हम अपने वेन्यू में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे भाई गुड्डे शुड्डे लगे हुए हैं, काफी माहौल बना हुआ है। अभी मेहमान कोई नहीं आया लेकिन माहौल सही बनाया हुआ है ईशान भाई ने। वेरी नाइस आर्चेस, अच्छा लगा। अभी तो मैं देख रही हूँ, मैं आगे आगे चल के देखूंगी स्पेशल। ओके मैं देखती हूँ, पसंद आएगी इंशाल्लाह। ओ ये ओह नाइस, जो हमने प्लान किया था ना। हाँ 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 उसमें वो टब उसी तरीके से। हाँ यहाँ पे हमारा उपटन सेरेमनी होएगी और ये हमारा जो है ना वो है फोटो बूथ। शुड्डे शुड्डे लगे हुए हैं, फोटो बूथ सेपरेट है। ये हमारा खुस्सा और हाँ ये चूड़ियाँ और खुस्से यहाँ पे सही है। और ये हमारा वो है जहाँ पे हमारी उपटन सेरेमनी होनी है। दिस इज सो नाइस, सो एलिगेंट। और वो हमारा है फोटो बूथ है और वो हमारा बेसिक स्टेज है। चलें जी गाइस अब मैं जा रही हूँ खेतों में शूट कराने अपना, ठीक है, सरसों के साग में। शुक्र है सर्दी नहीं लग रही है, पाँव पे नहीं ना लग रही इसलिए वैसे नहीं लग रही है, वरना इस वक्त बहुत मेरी हालत नाजुक हुई हुई है। और मेरी बहनों में से कोई नहीं वेन्यू पे पहुंचा, पापा है, मेरे चाचू हैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स पहुंचे हैं बस, बाकी विला वेन्यू नाच रहा है। सो गाइस मेरे दूल्हे राजा देखें शूट के चक्करों में चीज से गुजरते हुए आ रहे हैं। हाँ अरे ये कष्ट है जो शूट से पहले करना पड़ता है। फ्रोजी फ्रोजी स्काई स्काई पहली बार ढोलकी शलवार पहन के आ रहा है, चेक तो करो पंजाबी मुंडा। अरे शाहरुख खान लग रहे हो, क्यों चलना पड़ा है पशावरी चप्पल ते कोयटे वाली शलवार। मेरे भी अरे मैं ऐसे ही आई हूँ, पता वो कह रहे हैं यहाँ पे रील रिकॉर्ड करवाए वो वाली। सारे घर वाले वगैरह पहुंचते हैं ना, हम अपना कपल शूट करा के फिर रस्म वगैरह करेंगे, ध्यान से बसाएं। माशाल्लाह नाइस, वाह भाई वाह, खैर है सारा समुंदर यहीं भी आ गए। सारी सारे सीशेल्स यहीं आ गए। ये देखो ट्रेनिंग अंदर अभी शूट कराते हैं, शाहरुख खान बनते हैं और मैं बनती हूँ काजोल। लेट्स गो। एनीवे गाइस खेतों वाला शूट डन हो गया, अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे जिसपे असली पैसा लगाया, ये तो फ्री की लोकेशन थी। चलो जी भाई ये देखो ये होता है प्रोटोकॉल, हम पैदल चल के वहाँ से आते हैं, वो उनके लिए गाड़ियाँ आती है। वाह ये कौन आ गया है? ये गाइस ये बिल्ली ने मेरी भाइयों आज अच्छी कर दी है, अच्छी कर दी है, मैचिंग कर गया है। आओ आओ मुझे चाहिए बिल्ली, यू आर सो क्यूट, आ जाओ मेरे पास। चलें जी यहाँ रीफ साहब सबसे मिल रहे हैं, यहाँ सारे फैमिली लोग आ चुके हैं। Very nice. अब मेरी सारी बहनों के पास जाएं और सबको दिखाएं। हेलो गाइस मैं हूं राबिया और मैं यहाँ पे बहुत फन कर रही हूँ और मैं इकरापी के ब्लॉग में आके बहुत पसंदीदा कर रही हूँ। और यहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ है कि मैंने सारी शादी संभाली हुई है। राबिया ने गाइस मेरी ग्लासेस का थीम चुरा लिया है, राबिया और मैं गाइस ये देखें इट्स वेलो। ये गाइस ये हम लोगों ने ना यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ, जो हमने अभी मेरी सारी फैमिली मेंबर्स पूरे होते हैं फिर मेरी बहनों ने ये लड़के वालों को गुस्से देंगे, लड़के की बहनों और भाभी को, तो ये बेसिकली पोतली उनको देनी है। और ये जो ये पड़ी हुई है ना ये देखे ये बिल्ली है जो मेरी फ्रेंड्स आएंगी उनको okay. और वो अरीफ के साथ मैचिंग हुई थी। और ये सारी हमारी ये इन लॉज की मैंने कहा था बसंत लगनी चाहिए साड़ी माइयों बल्ले बल्ले ये पहना है मुझे हैप्पी। ये कैसे पहना है? अरे मैं कैसे बना ये हाथ में है ना? मुझे कानों वाला लग रहा था ये छोटे हैं नहीं छोटे हैं आप दबाओ मेरा हाथ दोगी इससे पता चलता है अरीब ने जिंदगी में कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनी। शुक्र अदा करो हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है। यार मैं लेट इसलिए आई हूँ क्योंकि वीआईपी लोग लेट आते हैं हमेशा।
तो ये हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं जो हमारी माइयों पे आई हैं। ये चाहती थी मैं इनको ब्लॉग में लूँ। भाई कितना प्यार करते हैं आप। थैंक यू सो मच। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच भाई। सब अपनी जिंदगी की नदियाँ पार करने लगे हो। गिर गए ना यहीं पे सारा। यहीं पे सब हो जाएगा। मैंने आपको अपनी फुल लुक नहीं दिखाई तो मेरी लुक अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? ठीक हो? बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है माइयों के इवेंट का और वी आर इंजॉइंग लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर गुड एंड फन इवेंट। लेट ही हैं बस काम टाम पर। गाइस हुआ कुछ हुआ है कि हमारा वहाँ पे फोटोशूट सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब बारी है मेरी और अरीब की जो है ना वो उपटन लगने की। और जो मेन पार्ट है माइयों के थीम का वो है उपटन लगवाई। खराब होगा मेकअप? खराब नहीं होगा। मेरी बहनें बनाएंगी उपटन। मेरी फैमिली बैठ के जाके उपटन बनाएगी। मैं आपको वो सारे शॉट्स एक कैमरा में उनके हैंड ओवर कर रही हूँ। वो सारे आपको दिखाएंगे वो कैसे उपटन छुपटन बनाती हैं। अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। गाइस मेरे कानों में इतना वजन है। इस वक्त तो मैंने दो ब्राइडमेड्स हायर की हैं कि दोनों मेरे कानों का वजन उठाए। सिक्कों के वजन से मेरे कान नीचे आ गए और दर्द कर रहे हैं मेरे दिमाग की भी नसें। हेलो लुक दिस हियर। कैसी हो? क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। ये लड़की सबसे जल्दी आई है। सबसे जल्दी आई है ये लड़की। सबसे जल्दी आई। हाँ हाँ सारे रिकॉर्ड तोड़े। हाँ इसलिए ये मेरी बहनों में सबसे लेट आई है। सबसे लेट आई है ये। पता ये इसने तुम्हारे भी रिकॉर्ड कायम करनी है। ये डकी भाई से भी अब चली गई। अच्छा सारी कुड़ियों को इकट्ठा करो गाइस और मिलके अब बनाएंगे उपटन। यहाँ पे मेरी सारी बहनें बैठ चुकी हैं। ये एक हमारा टेडी बियर बैठ चुका है। क्या करने के लिए बैठी हैं भाई? उपटन बना रही हैं यार। टेडी बियर का मम्मा को नहीं गाउस को कहा है। जल्दी से करो यार क्या गोले जा रही हो अभी। इसमें सबसे पहले हमने डाली है होम्यो क्योर की क्रीम। ये काफी ज्यादा डाल दी है हमने। ठीक है ग्लूकाटोन का ये इमल्शन डालेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और तुम जितनी अभी प्यारी अरीब भाई को लगती हो ना उससे 10 गुना ज्यादा प्यारी लगोगी। ग्लूकाटोन इमल्शन है। छोटू पैकेट में भी आते हैं बड़ू में भी आते हैं। हम सब ने यूज किया हुआ गाइस और ये बहुत अच्छा है। आप हमारे व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा। मतलब मैंने और अब तुम लोग इसको मेरे उपटन में भी यूज कर रही हो। अच्छी है उसको यूज करना चाहिए और बताना भी चाहिए। ठीक है अब इसमें क्या करना है तुम लोगों ने? दो हल्दी लगाएंगे इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर उपटन ऐड करेंगे साथ मिक्स करेंगे इसके साथ इमल्शन के साथ। ओके जो हमारा उपटन है वो मिक्स होगा ग्लूकाटोन एंड होम्यो क्योर की उसके साथ। ठीक है यार ये मेरी स्किन में ये ना हो कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा? रिएक्शन नहीं होता और ये आपकी स्किन को फुल व्हाइट और फ्रेश कर देगा। अरे भाई आपको और ज्यादा प्यार करेंगे। हमारे दौर में हल्दी और तेल लगाया जाता था 10 दिन तक वो कलर ही नहीं उतरता था। और सब फिर सीरियसली पीला पीला हो जाता था। हल्दी के निशान नहीं जाते जल्दी। ये गेंदे फूल जैसा रंग ना कर देना मेरा। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ इतनी प्यारी लगोगी तुम। वैसे ग्लूकाटोन एंड होम्यो क्योर के मिक्सचर का तो मुझे पता है लेकिन साथ उपटन मिक्स करके ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज कांट वेट। आइडिया मेरा था कि मैंने कहा यार हल्दी का निशान रह जाएगा तो निशान रहे तो दोनों को मिक्स करके लगाओ और ग्लो भी आएगा। और पहले दौर का पता है उपटन लगाने के लिए कपड़े चेंज करने पड़ते थे। अब तुम इसी में लगा। यार ये मम्मा ने सही बात बताई है। पहले कपड़े चेंज करने पड़ते थे अब इसी में ही है क्योंकि वो कपड़े हल्दी आपकी कपड़े खराब करती है और पता नहीं क्या क्या चीजें करती है। अभी से ही हो गई है। अरीब को बुलाते हैं। चलो सब अरीब को आवाज दो जल्दी से। अरीब भाई चलो जी ये लड़कियां घोल चुकी हैं सारा उपटन। हाँ जी मुंह पे वो केमिकल वगैरह तो नहीं लग जाएगा। लड़के को भी लगना है। वैसे लड़के को भी लगना पता चले फ्रेश हो जाएगी। फ्रेश हो जाएगी पक्का ना। फ्रेश फ्रेश चिट्टी की ग्लो ही हो जाएगा। लग रहा है लगने के बाद कितना प्यारा। हाय हाय नहीं मम्मा वो वैसे भी प्यारा। सारा क्रेडिट ग्लू पार्ट ऑफ दे रही है। ये क्या लेके जा रहे हो? उपटन उपटन इसको हम हल्दी बोलेंगे या उपटन बोलेंगे? उपटन बोलेंगे। न्यू फैशन आ गया उपटन लगाने का टाइम आ गया। लगा दी
क्योंकि ग्लूकाटॉन से मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सो आई डोंट हैव दैट फियर कि मेरी स्किन खराब हो जाएगी, रैशेस हो जाएगी और व्हाटएवर। चलो अगला बंदा है। सबको भेज दो यार, सारे आते जाओ, जिसको भी आना है। अरे भाई को भी लगाते हैं, वन बाय वन सब आएंगे। मानो बस काम कर रहे हैं, अरे ये इसको लगा दो। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या परफेक्ट। वेट करें प्लीज, वन बाय वन लगाएं प्लीज। ठीक है छोड़ दे चाची। एक सेकंड पीछे यार, मैं ऐसे लगाता जहाँ दिल करता लगा। मैंने शूट कराया मेरी इसने हाथ पीले कर दिया थोड़ा ना जाओ। प्याला पकड़ के ना अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ठीक है। और बस इंजॉय करो, अंदर दूसरों को अंडरस्टैंड करो, यही ना खुद। और ये भी बता दें कि वाइफ इज ऑलवेज राइट। Wife is always right. नहीं नहीं, आपकी खुद जिंदगी सुकून में रहेगी if you accept this. If you accept this, आपकी खुद की जिंदगी सुकून में रहेगी कि wife is always right. Wife is always right. मैंने भी कह दिया भजन। आप खुद सुकून में रहोगे। इसके बाद दोबारा से कभी आने ना ये। Don't try to win. असली प्रैंक तो उसके साथ हो रहा है, 600 बार आ चुकी सारी। हाँ, तो लगा के हाथ में वो अस्तगफिरुल्लाह फातिमा ही साथ के साथ मैंने आज मेरे मुन्ने की शादी है। फातिमा ही बहुत ज्यादा है फातिमा ये। अरे ग्लूपा टोना खैर है, ग्लूपा टोना बहुत ज्यादा। जो मायू क्या होता है, मायू पे क्या करते हैं, ये नहीं लगाते तो खड़ा शूट कराने। फातिमा मूवी मार दो, 1000 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए हमारे पे काम है। डैडी भाई थोड़ी पैसा बढ़ाए, थोड़ा पैसा बढ़ाए। 5000 करे मार दो, तो मुंह पूरा बैठ जाता। 10000 इकट्ठे कर दो। बोलियां लग रही है, 50 करोड़ लाख। ओए यार फातिमा, मैं तुम्हें चंबे लगाऊंगी घर जाके। चंबे चेरी को, मेरी को, आपको बहुत खुश रखे अल्लाह मियां, बहुत खुशियां दें और हमेशा ऐसे ही हंसते बढ़ते बढ़ते इसका मुंह बढ़ते। मैं तो मरूंगा अरीब के दोस्त आए हैं, मुझे तो मुंह मरूंगा तेरा। ये ऊपर ने यहां पे दोस्तों भी आ गए हैं, अरीब पे फिसल जा रहा है। अरीब आपको पता था कि गंदा का स्मेल है। ऐसे दोस्त हैं जो सोए हुए थे। नहीं नहीं, मैं उठा हुआ था, मैं उठा हुआ था, सोए हुए थे। आ गए ना, उठा हुआ था। चलो लगा रहे हैं, आ जा ये सारे बंदे राज में सारे। खाना शाना खुल गया है, हमारी ये रस्म यहाँ पे हो गई है फाइनल एंड अप। सब देखे खाना खुलता गया, वो देखे सब जाके से कुर्सियों पे बैठे से पहले मक्खियों के झुंड की तरह स्टेज के आसपास बैठे हुए थे। अब जाके आपको खाना दिखाया जाएगा और मेरी बहनों की प्लेट्स देखे। दिस इज माय प्लेट गाइस। कैमरामैन हमें खाना खाना नहीं दे रहे हैं, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे पीछे आ रहे हैं। वैसे आपस की बात है, जब शादी में कोई खाना खा रहा हो ना उसका कैमरा, हम चुपके ऐसे खाएंगे ऐसे। ओ खाना ये तो ऐसे ही रखा था हमने गोद में, पता नहीं क्यों। क्या रोटी खोली है भाई, मजा आ गया। आज मैंने कहा डाइटिंग मिस करा देते हैं, ठीक है, और शुरू हो जाते हैं। कहा ना कि आप डाइटिंग शुरू तो कर रहे हैं, वाह भाई वाह।
सो गाइस हमारा शूट वगैरह हो गया, बस ये एकड़ा का शॉट रह गया। पहले भी लग रही थी प्रॉपर दुल्हन दुल्हन, और देखे कितना प्यारा ये सेट लग रहा है। और ये देखे आपको पता है अभी इसके बाद यहाँ पे सब जगह एक सर्कल बनेगा, बिकॉज ड्रम सर्कल इज गोइंग टू परफॉर्म विद अस टुडे। और 50 ड्रम्स मंगवाए हैं मैंने, एंड हम सब रिलेटिव्स बैठ के बजाएंगे। अब जो अगली एक्टिविटी है खाने के बाद, मतलब हम अभी खाना खाएंगे उसके बाद ये है। चेयर्स लग गई यहाँ पे, वो ड्रम्स पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं आप, ये ड्रम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, सारे बैठेंगे सर्कल में। और इकरा का वो देखे शूट हो ही गया आखिरकार। चले जी गाइस, मेरा शूट वूट हो गया था और अब जो है वो आ चुका है हमारा लजीज मजेदार लीमू निचोड़ खाना। यार भटूरे हैं, चने हैं, और अरीब साहब ने तो मुंह धो लिया है। मैं मुंह धोऊंगी तो मैं भूतनी निकलूंगी क्योंकि मेरा सारा मेकअप है। और बस सामने मैं आपको सेटअप दिखा देती हूँ, वो राउंड टेबल लग चुकी है जहाँ पे हम सब लोग बैठने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम, ये लोग आई एम सुपर एक्साइटेड, थैंक यू। आपने लकी भाई कैसा लगा फिर? मजा आ गया यार। क्या किसका मजा आया? जलेबियां खा रहे हैं और डाइटिंग कर रहे थे। तभी बड़ा अच्छा इवेंट, बड़ा मजा आया, मजे का था ना। बस वो आपने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं इतना जो है ना के हैं। वो देखे वो बेचारा, उसका निकलना था ना फिर। हाँ वैसे वैसे वो हम पर्सनल शुगर लगा लेंगे, अभी हमने वहाँ एक शुगर लगाना है बड़ा हैवी। हाँ डोज दो के बीवी के साथ रहना कैसे है, मतलब टिप्पणियाँ सारी देनी। इट्स अबाउट इमोशंस। ओके, नथिंग मैटर्स, नॉट लॉजिक। इफ यू वांट टू मेक हर हैप्पी, इमोशनल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप जो मर्जी कर लो सारी जिंदगी। आप लेवल का हनीमून करवा दो, आप घुमा दो, आप रिलीज डेट पे आईफोन 15 प्रो मैक्स दे दो, लेकिन आपने अगर बर्थडे के अंदर ना कुछ किया then you are finished। तुम लोगों को क्या जल्दी है जाने की है? मेरी दोस्त है, एक तो आती सालों बाद है, ऊपर से मेरा बेटा, छोटा सा बेटा घर अकेले। हाय अल्लाह, ये उसको क्यों नहीं लेके आई हो तुम साथ? ठंड थी, वो पहले बीमार था इसलिए। तो इसको 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 छोड़ जाओ, ये मेरे साथ, ये डर जाती है, इसका बेटा अकेला है इसलिए जा रही है। या अल्लाह, बहाने लगा रही है। अबे यहाँ पे ड्रम पूरी परफॉर्मेंस होनी है यार, सही टाइम। हाँ मैं करूँगी, देख रहा हूँ। हाँ तुम खाना साना एंजॉय, दफा कह रही फिर तो चलते हैं। नहीं, 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 ये सही है, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। ग्रुप पूरा ग्रुप ले आओ सेंटर पे, ड्रम सर्कल होने लगे, सारे सेंटर पे आ जाए, आ जाए, आ जाए। चैलेंज गाइस, अब जो है वो ड्रम सर्कल परफॉर्मेंस होने लगी है स्टार्ट, और वहाँ पे सब लोगों को बिठा दिया, सबको बिठा दिया। लकी भाई ने ऐसी अनाउंसमेंट किया कि सारे आके बैठिए। चलो हीरा आजो आजो, ये दुल्हन की जो बहन है ना, ये दुल्हन की जो बहन है, ये मल्टी प्यारी लग रही है आज बहुत, माशाल्लाह। हाँ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। ओए ओए ओए, we'll be right back।
परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही है। अरीब साहब एंजॉय कर रहे हैं जी पान पान दी गलोरी डक्की भाई क्या भंगड़ा डाला आपने क्या भंगड़ा डाला है वो माहौल एक बार बन जाए ना फिर एक दफा प्रैक्टिस करने आए कहते मैं ना ये भाई जो माहौल साथ ने उठाया ना ओ माय गॉड एक बार माहौल बन जाए ना फिर अभी आप मेहंदी में देना क्योंकि अब मैं ओपन हो गया हूँ हाँ मेहंदी पे होगी शेंदी चले जी गाइस अब हमने भी जाना है डक्की भाई लोग भी वेट करने भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का आगे बहुत फन करने वाले हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में नहीं अगले इवेंट में टेक केयर और इधर गेम और उठाने खड़ी हुई है सारी लाइन लगी हुई डक्की भाई के लिए बच्चों की चले जी गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मेरी पूरी फैमिली ये जा रही है मेरी बहनें मेरे अम्मा अब्बा और मेरे हस्बैंड चलते हैं हम घर को घर जाके बाकी की सूरत हाल दिखाते हैं चलिए जी गाइस मैं आ चुकी थी घर और मैं इतना थक गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग आज का इवेंट भी बहुत अच्छा हो गया बहुत मजा आया अल्लाह पाक जो है वो हमें आगे जिंदगी में भी बहुत खुश रखे और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़